निकाय चुनाव में भाजपा की बंपर जीत के बाद से ही सभी लोगों को अब तस्वीर बदल जाने का इंतजार है। उधर नगर निगम की इस दिशा में तेजी से काम करने को आतुर है। इसी क्रम में नगर निगम ने व्यापारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें नगर निगम के व्यापारियों से सहयोग मांगा, जिसने स्मार्ट सिटी का दर्जा मुरादाबाद को प्राप्त हो सके। स्वच्छता अभियान को लेकर हुए इस कार्यक्रम में नगर निगम ने व्यापारियों से कहा कि व्यापारी विभाग को स्वच्छता में सहयोग करें। व्यापारियों ने भी तमाम तरह की परेशानियों के बारे में नगर निगम को बताया। इस कार्यक्रम में नगर आयुक्त अवनीश कुमार शर्मा, महापौर विनोद अग्रवाल समेत कई अधिकारी और पदाधिकारी मौजूद रहे। नगर निगम ने बताया कि नगर निगम एक ऐप लॉन्च कर चुका है, जिसे सारे महानगरवासी डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप के जरिए लोग अपनी परेशानी बताकर उसका हल पा सकते हैं। इस ऐप का नाम स्वच्छता ऐप है। इस मीटिंग से सभी लोगों को विश्वास ये हम सब मिलकर महानगर को स्वच्छ बनाने के लिए कदम उठाने हैं और उन कदम उठाने में आप सबकी सहभागिता अनिवार्य है। काफी चुनाव आए हैं, समाधान भी आए हैं। समाधान ही किसी चीज का अंत होगा। हम लोग मीटिंग करेंगे, सुझाव देंगे, बहुत अच्छे सुझाव आते हैं कि भाई घर में जो है फलन जगह बहुत पर्यावरण चाहिए, बहुत पर्यावरण चाहिए, किचन ऐसी होनी चाहिए, पर उन सबके लिए व्यवस्था भी चाहिए, धन भी चाहिए और करने की इच्छा होनी चाहिए। आज हमारा महानगर मुरादाबाद पिछले दो वर्षों से स्मार्ट सिटी की दौड़ में बार बार आके एक एक नंबर से ले जा रहा है। क्यों हम बार बार कह रहे हैं कि भाई हम स्वच्छता है अपनाइए, पर अभी यहां पर 100 लोग मौजूद हैं तो उनमें से अभी 80 लोगों ने स्वच्छता है अभी नहीं अपनाया। जैसा कि आप सभी लोग अवगत हैं कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 के लिए सभी शहरों में तैयारियां चल रही हैं। ये सर्वे 4 जनवरी के बाद शुरू होगा और देश के 4041 शहरों में एक साथ ये सर्वे कराया जाएगा। तो इस संबंध में हमारे महानगर मुरादाबाद के नागरिकों को जागरूक करने के लिए और विशेष रूप से जो हमारे बाजार के जो हमारे मार्केट प्लेस हैं, जो वाणिज्यिक स्थान हैं, उनके व्यापार मंडल के अध्यक्षों को, महामंत्री, उनके पदाधिकारियों को और सामान्य व्यापारियों को हम लोगों ने आज टाउन हॉल में बुलाया था और उनको इस सर्वेक्षण के विषय में बताया। और इसके साथ ही साथ मैंने उनको ये भी बताया कि हमारा जो बुद्ध बाजार व्यापारिक क्षेत्र है वो अकेला बाजार है जिसको कि हम आदर्श बाजार के रूप में विकसित कर सकते हैं। और मैंने उदाहरण भी दिया कि दिल्ली में खान मार्केट इतना अच्छा मार्केट है कि सभी व्यापारी वहाँ पर अपनी दुकान लेना चाहते हैं। तो खान मार्केट से तुलना करके उतना ही साफ सुथरा और अतिक्रमण मुक्त बाजार हम बुद्ध बाजार को बना लें अगर, तो ये मुरादाबाद के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। सभी व्यापारियों ने सहयोग करने का आश्वासन दिया है और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ पूरे महानगर वासियों को कि आप एक स्वच्छता एप्लीकेशन है मोबाइल में, गूगल प्ले स्टोर में जा करके आप स्वच्छता ऐप अगर डाउनलोड करेंगे तो इस ऐप के माध्यम से आप न केवल गंदगी के विषय में, साफ सफाई के विषय में शिकायत कर सकते हैं, बल्कि हमको कम से कम 15,000 से 20,000 अगर डाउनलोड्स इस शहर से होंगे तो स्वच्छता सर्वेक्षण में मुरादाबाद शहर भी आपका शुरुआत के 10 शहरों में, पूरे भारत के 10 शहरों में शुरुआती मुरादाबाद का नाम भी चमकेगा और हमारे लिए गौरव की बात होगी। तो मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि इस मोबाइल एप्लीकेशन को आप अपने स्मार्टफोन में जरूर डाउनलोड करिए और कम से कम 10 और लोगों को डाउनलोड कराइए। बहुत ही साधारण है, गूगल प्ले स्टोर में आप स्वच्छता अगर टाइप करेंगे तो ये एप्लीकेशन आ जाएगी। आप इसको अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर लें, इसका उपयोग करके आप अपनी शिकायत, अपने क्षेत्र की शिकायत, गंदगी के विषय में, निर्माण के विषय में आप कर सकते हैं। धन्यवाद।